हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग दिल्ली के नेशनल जू पार्क में हैं और आज पूरी फैमिली, फोर पोटैटो फैमिली विद टू अदर फैमिलीज, हम लोग यहाँ जू में हैं, नेशनल जू पार्क दिल्ली प्रगति मैदान के पास। और आज बहुत सही वाला वीडियो जाने वाला है, पूरा देखना है और सबको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है। बाय बाय। अरे कोई तो बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैलेंज या चैनल। कैनन से खींची गई सारी फोटोज को मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ और जरूर से देखिएगा, यू विल डेफिनेटली अडोर माय फोटोज व्हाट एवर वी हैव क्लिक्ड इट। तो हम जू के अंदर 150 मीटर्स कीप लेफ्ट हमारे साथ है और जैकलीन से हाय। और ये जानवरों के पैरों के निशान, ये एक बड़ा जानवर है, जंगली है। तो भाई ये है ब्लैक स्वान, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा सेकंड। और ये है ब्लैक ब्लैक स्वान से हाय। तो गाइस हम एंट्री कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ अगर आप हैं तो आप आसानी से नहीं घूम सकते, आपको ये एक फेरी लेनी पड़ेगी, 70 रुपये एडल्ट की है। और अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है और 12 साल तक का है तो 30 रुपये है। तो हम लोग 6 एडल्ट हैं और 2 बच्चे हैं जो 5 साल से ऊपर हैं और 2 5 साल के नीचे के हैं। तो हमारा फेयर लगा है 480 जो हमें एक स्टॉप पर ले जाके छोड़ देंगे। लेट्स होप कि चीज़ें कारें हों और प्रॉब्लम ना हो करने में। ये बैन लग गए हैं सारे एडल्ट्स के। आप लोग येलो लगेंगे, यू लिटिल बेबी। से हाय। हाय। और ये 5 साल के ऊपर हैं तो इनको लग गया, इनको लग गया क्योंकि ये 5 साल से ऊपर हैं। ये 5 साल के ऊपर नहीं है, इनको मिला कुछ नहीं। बाबा जी का ठुल्लू अपने अपने बैंड्स। हमने जेसी को भी पीछे छोड़ दिया था क्योंकि इसके बैंड नहीं लगा था और सब हंस दिए तो ये रो गई। चाचू चाची की गोदी में एलिफेंट, तेजी से चलते हुए और हेडीस्ट In 100 meters, turn left. Turn left. तो जी अभी हम देख रहे हैं गुलाबी हवासील रोजी पेलिकन और ये उसके कुछ फैक्ट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आइए अब हम देखते हैं थोड़ा पास से कि ये क्या होते हैं। लेट्स गो, हम आगे चल के देखते हैं। तो जी ये है ब्लैक बक, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो दिस इज ब्लैक बक, बहुत ही सुंदर है। They are almost taking rest. तो ये है सांबर हिरण, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज सांबर हिरण, दिखने में बहुत सिंपल, आराम से बैठे हुए हैं। सांबर यहाँ पे इंसान है गाइस। तो ये है असली चीज देखने की, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बस रेस्ट चल रहा है इनका, सनबाथ चल रहा है। ये नहीं कैसा लग रहा है, वेरी स्केरी, वेरी स्केरी।
गाइस अब हम आ गए हैं एलिफेंट देखने के लिए। से हाय जेसी, आप देखते हैं हम इंडियन एलिफेंट की तरफ आए हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। व्हाट अ ब्यूटी इट इज। जेसी व्हाट इज दैट? इट्स एलिफेंट। ब्यूटीफुल। गाइस जू बहुत अच्छा था। और चाचा जी कैसा लगा आपको दिल्ली का जू, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत आकर्षक जनक। हम लोग इतनी दूर से आए थे और देखा, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया बच्चों ने और हम लोगों ने भी। आइसक्रीम खाते हुए जैनी, दो दो आइसक्रीम खाते हुए। चाची कैसा लगा आपको दिल्ली का जू? बहुत मजा आया। बहुत मजे आए। कैसे लगे एनिमल्स, कैसे लगे? बहुत अच्छे। अरे यार जी जैनी, कुछ कहना चाहेंगी जू के बारे में? डबल आइसक्रीम डबल मजा। डबल आइसक्रीम डबल मजा। आप नो कमेंट्स। मेरी तो बोलती ही बंद है। तो गाइस ये था अब तक का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पूरी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिल्ली के जू में आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखा। और क्या, हेलो अनोक, कैसा लगा आपको जू? जू कैसा लगा जल्दी बताओ? सुपर सुपर फन। बनी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हमने जगुआर देखा, व्हाइट टाइगर देखा और टाइगर भी। और एक हर्ड क्या था वो? क्या था वो? घड़ियाली। घड़ियाल। घड़ियाल इतना बड़ा मुंह था। क्रोकोडाइल भी देखा हमने। ओके बाय बाय, टेक केयर। सी यू। जो है वो भरमार बन के आ रहे हैं और हम आए थे, सबसे पहले एंट्री हमारी थी 9 बजे की। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 12:15 और अब यहाँ जगह नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारी सीट्स फुल हैं। गर्मी भी है पर एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये है दिल्ली का जू एंट्रेंस। हम वहाँ से आए थे, उस जगह से ऐसे आते हैं और आते पैदल आपको आना पड़ेगा। उसके बाद पैदल आने के बाद आपको वहाँ पर जाकर टोल बूथ पर, उधर पीछे टोल बूथ है, वहाँ से आपको ये गाड़ियों पे बहुत बैठे थे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हम गाड़ियों पे बहुत बैठे। मजा आया गाड़ी में? बहुत मजा आया। गाड़ी थी। वो फैमिली के लिए बहुत बढ़िया। मैं तो पीछे बैठे थे पर मैं तो ऐसे नाच रहा था। कुछ कहना चाहेंगे? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑल दोज़ आर स्टेइंग इन दिल्ली शुड विजिट अस वंस इन अ व्हाइल। हम लोग भी बहुत टाइम के बाद आए। हम तब आए थे जब प्रियंका की शादी हुई थी 2016। अप्रैल वॉज बेरली 8 मंथ्स ओल्ड। खींची कैनन से खींची गई सारी फोटोज को मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ और जरूर से देखिएगा। यू विल डेफिनेटली अडोर माई फोटोज वॉट एवर वी हैव कलेक्टेड। और तब तक के लिए इंजॉय करिए, बाय बाय। और समय समय पर जू आते रहिएगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ आर नेचर। बाय बाय, सी यू।